क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स, इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 देख रहे हैं। पहली एक्सरसाइज जो पहला क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन, दो ऑप्शन है आपके पास, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अगर ये सर्कल है तो इसका सेंटर कहां होगा? इंटीरियर में होगा, इसका उत्तर है इंटीरियर। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो कोई पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर, सर्कल के सेंटर से ग्रेटर हो इट्स रेडियस, यानी कि एक सर्कल है उसका रेडियस ये है, और ऐसा कोई पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो वो कहां पर होगा? इंटीरियर होगा कि एक्सटीरियर होगा? देखिए ये बाहर आ रहा है, ये बाहर का पॉइंट है, तो इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर। अगला है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज व्हाट। एक सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो सकती है? डायमीटर हो सकती है, तो इसका उत्तर है डायमीटर। ऐसे एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो एक आर्क, आर्क मतलब होता है इस तरीके का, तो एक आर्क क्या है? व्हेन इट एंड्स आर द डायमीटर। तो एक आर्क अगर एंड डायमीटर है तो आप देखिए ये जो है इसको क्या कहेंगे? सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हो जाएगा। ऐसे ही है सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। एक सर्कल डिवाइड करता है किसी प्लेन को जिस पे ये होता है, कितने पार्ट में डिवाइड करता है? ये डिवाइड करता है तीन पार्ट में। अभी देखिए कैसे, एक सर्कल अगर मैं किसी भी प्लेन पे रख दूं, अब देखिए इसमें सवाल इस तरीके का है, मान लीजिए यही सवाल ऐसा होता कि आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर अगर आप सर्कल को रखेंगे तो ये कितने पार्ट में डिवाइड करता? अगर प्रॉपर स्क्वायर रखते आप तो स्क्वायर में ये इसको कितने भाग में डिवाइड करता? एक, दो, तीन, चार और पांच। लेकिन यहां पूछा जाएगा किसी भी प्लेन में, तो अगर किसी भी प्लेन में सर्कल को रख दे तो एक तो एक्सटीरियर हो जाएगा, एक इंटीरियर हो जाएगा और एक जो इसकी पेरिफेरी है, तो इसलिए तीन कहा जा रहा है इसको। अब ट्रू और फॉल्स है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, इसके रीजन भी देने हैं। लाइन जॉइनिंग और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई भी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है सेंटर को किसी भी पॉइंट से, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये सत्य हो गया, ये दिस इज ट्रू। ऐसी है सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स फाइनाइट हो सकती है, क्या ये सत्य है गलत है? ये फॉल्स है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स के। अब देखिए मैं यहां बनाता हूं, एक एक कॉर्ड है, इसका लेंथ ये है, ये भी लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम है, तो इनफाइनाइट हो सकती है। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। अगर हम सर्कल को डिवाइड करेंगे तीन इक्वल आर्क्स में, अगर ये सर्कल है तो हम तीन इक्वल आर्क्स में इसको डिवाइड करेंगे, तो हर एक में ईच इज मेजर आर्क, तो ये तीसरा सही है क्योंकि तीन भाग में डिवाइड करिए, ये मेजर है, ये मेजर है, ये मेजर है, तो ये मेजर आर्क हो जाएगी। और अगला है थर्ड वाला, अब अगला देखें तो अगर सर्कल को डिवाइड करेंगे हम तीन इक्वल आर्क्स में तो ईच इज अ मेजर आर्क। अगर हमने सर्कल लिया और इसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया ऐसे करके तो ये मेजर आर्क होंगी, ये सत्य नहीं है, ये दिस इज फॉल्स, ये मेजर नहीं माइनर आर्क होंगी तीनों। फिर आपका अगला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। कॉर्ड एक सर्कल का विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, एक रेडियस से ट्वाइस हो जिसे हम डायमीटर कहते हैं, तो ये सत्य है क्योंकि देखिए रेडियस ये होता है, अगर आर और आर इसको 2R बोले तो 2R ही आपका डायमीटर होता है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर अगर ये इसको देखें तो सेक्टर क्या होता है? ये पार्ट इसे हम सेक्टर कहेंगे, है ना? तो सेक्टर एक रीजन है बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स, ये कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये सत्य है कि गलत है? ये आपका गलत हो गया क्योंकि सेक्टर ये होता है, ये पूरा सेक्टर होता है। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, हाँ जी प्लेन फिगर होता है, 3D तो होता नहीं, इसमें प्लेन आप बना दीजिए, अगर डिस्क बनाएंगे तो ये 3D पे जाएगा। तो हमने ये पहली एक्सरसाइज देखी अभी आपके सर्कल की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 9, इसमें एक्सरसाइज 10.2 देख रहे हैं।
रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस. दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट या एक जैसे होंगे और उनका रेडियस सेम होगा. प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर. अगर कॉर्ड इक्वल है तो वो जो सेंटर पे एंगल रखने वाली है वो आपकी वो भी एक एंगल इक्वल होंगे. तो इसमें देखिएगा कि हमको दिया हुआ है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं आपके, सेंटर एक का ओ है एक का ओ डैश है, ए बी एक ये आप देख रहे हैं और एक ए सी डी, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं. हमको ये बता रहा है कि ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल दोनों सेम है. तो ट्रायंगल ये वाला ए ओ बी और सी ओ डी, इसमें ए बी और सी डी बराबर है, ये तो दिया हुआ है ना. ए ओ और सी ओ डैश क्या है, ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों रेडियस भी सेम है, इसलिए आर ये जो आर है ये भी सेम आर है. इस तरीके से ओ बी और ओ डी ओ डैश डी ये भी आर है, ये भी आर है, इन दोनों रेडियस है. तो एस 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 से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. कॉन्ग्रुएंट है तो सीधी सी बात है कि ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा. हमें प्रूव करना था ये एंगल और ये एंगल. अगला क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपको कि यदि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल की सबटेंड करती हैं इक्वल एंगल्स सेंटर पे, तो वो कॉर्ड्स इक्वल है. जो अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर वन उसका ये एक तरीके से कॉन्वर्स है. तो इसमें क्या करेंगे कि हमको दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए हैं जिसका एक ओ है एक ओ डैश सेंटर है, ए बी और सी डी इसके कॉर्ड्स है, सर्कल के सेंटर इसका ओ है और ओ डैश है, इस तरीके से कि ये एंगल इसके बराबर है. आपको प्रूव करना है ए बी और सी डी बराबर. इसमें भी यही हम पद्धति अपनाएंगे कि दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो ये ट्राइंगल ए ओ बी इस वाले और इस वाले में देखिए ये और ये दोनों रेडियस है, ये और ये दोनों रेडियस है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. अब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल दे ही दिया है, तो एस ए एस से एस ए एस एक्सियम से ये दोनों क्या हो गए, दोनों आपके ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट. ओके कॉन्ग्रुएंट होते ही हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी के बराबर होगी बस. तो ये एक्सरसाइज 10.2 हुई, आगे और भी एक्सरसाइज है. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की. क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स में अब एक्सरसाइज देख रहे हैं 10.3. इसमें है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. अब देखिए हमने अलग अलग टाइप के सर्कल इसमें बनाए, दो सर्कल अलग अलग बनाए, इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट आपके सर्कल है. यहां पर दो सर्कमफेरेंस आपस में टच हो रहे हैं तो कॉमन पॉइंट इनका है 1. ऐसे अगर आप दो सर्कल को बनाएंगे, किसी भी सर्कल ले लीजिए, जो रिंग ले लीजिए अपने हाथ में उनको जोड़िए, उस हिसाब से केवल दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो यहां पर कॉमन होंगे, और यही सवाल है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो इसका उत्तर है 2. अगला सवाल है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, आपको एक सर्कल दिया, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, इसका सेंटर कैसे आप नापेंगे. तो उसका तरीका इस तरीके से होता है, कोई भी आप एक आर्क ले लीजिए, कोई भी आर्क ले लीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बड़ी लेते हैं कैसे लेते हैं, और इस आर्क में आप कोई एक पॉइंट लीजिए उस आर्क में, और उस आर्क में एक कॉर्ड बनाइए. जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है इसमें एक आर्क लिया पी क्यू, ये पूरी एक आर्क है, आर्क का मतलब होता है ये पोर्शन, इसे हम आर्क कह रहे हैं, वाला यहां से लेकर यहां तक ये आर्क है हमारी ना पी क्यू, ये पी है ये क्यू है, सर्कुलर पोर्शन जो है. इस पी क्यू में इस आर्क में आपको एक पॉइंट आर लीजिए इस आर्क में, और इसके इसको लेते हुए आप इस P को ज्वाइन कर दीजिए, इस R को ज्वाइन कर दीजिए. अब आपको दो ये लाइनें मिल गई, आपने एक सर्कल लिया
यहाँ एक आर्क ली, दो पॉइंट आपको मिले, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। अब ये जो लाइनें आपको दो मिली पी आर और आर क्यू, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप स्ट्रेट लाइन बनाइए, यहाँ से यू काटिए, यहाँ से यू काटिए, यहाँ से यू काटिए, यहाँ से यू काटिए, मतलब आपको पॉइंट रखना पड़ेगा। स्ट्रेट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। सेम काम यहाँ करेंगे, यहाँ पर आप रख के यू कटिंग करेंगे, यहाँ से रख के कटिंग करेंगे ऐसी यू कटिंग, तो ये स्ट्रेट आएगा। ऐसे यहाँ से रख के यू कट करेंगे, यहाँ से रख के यू कट करेंगे, यू कट करेंगे, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके तो अब ये जो ज्वाइन करेंगे इनको, यहां पर ये ज्वाइन होगा जाके, ये जो ओ आप देख रहे हैं ये सेंटर होगा इस सर्कल का। अगला है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट पे, आपको प्रूव करना है कि उनके जो सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, उनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड होगी उसको अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप बनाएं तो वो उस पे सेंटर लाई करेंगे। यानी कि ये एक सेंटर है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये दो पॉइंट पे आपके दो कॉमन पॉइंट इनके मिल गए आपको। इस पे इस ए बी का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, जो ओ डैश दिख रहा है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, ए बी आपकी यहां से लेकर यहां तक कॉमन कॉर्ड है, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है इसमें, एक आपका ओ आर और ओ आर और ओ डैश आर डैश, ठीक, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है इसमें। अब हमको प्रूव करना है कि जो सेंटर है इन सर्कल इसका, वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, जैसे ए बी में ये लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ये वाला, इस पर लाई करेगा ये ओ और ओ डैश। ए बी बाइसेक्ट हो रहा है, ए बी बाइसेक्ट राइट एंगल पे हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ। पहले तो ए को ओ से ज्वाइन कर दीजिए, ए को ओ डैश से ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ही ओ डैश को बी से ज्वाइन कर दीजिए, ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगल आपके पास है, एक ये, मैं इसका कॉर्नर बता रहा हूं, वर्टिसेस ए ओ और ओ डैश और ओ ओ डैश बी, मतलब बी ओ ओ डैश, ये आपके दो ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में ए ओ बराबर ओ बी हो गया, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, क्यों, दोनों इस पहले सर्कल के, फर्स्ट सर्कल के रेडियस है। दूसरे वाले की भी लॉजिक यही है कि जो ए ए ओ डैश है और ओ डैश बी है, ये भी रेडियस है किसके, इस सर्कल के, ठीक। इस इन इनमें इन ट्राइंगल्स हमने जो दिए, इसमें ये जो बेस आप देख रहे हैं ये तो कॉमन है, ओ डैश कॉमन है, इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बस कॉन्वेंट होते ही आप ये कह सकते हैं कि जो ए ओ ओ डैश है ये वाला एंगल किसके बराबर है, बी ओ ओ डैश इसके, ठीक। इसी तरीके से अगर आप ये पहला आप समझ लीजिए, ये वाला पहला हमको ये मिल गया है ना, ये वाला और ये वाला हमारा इक्वल हो गया। उसके बाद आप लीजिए ए ओ सी, ये छोटा वाला, ये वाला और ये वाला बी ओ सी, इसमें भी क्या करेंगे, OC आपको कॉमन लग रहा है, ये हम कॉमन हो गया, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये रेडियस है, और साथ में आपका एंगल AOC और BOC इक्वल है जो हमने यहां से निकाला अभी इससे, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट होते ही AC और BC बराबर हो गया, और AC और BC बराबर हो गया, यानी कि ये वाला ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। लेकिन आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन में अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एंगल बराबर है, और ये तो आपकी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, एसीओ और बीसीओ का सम क्या होगा 90 डिग्री, इसका मतलब एसीओ भी 90 डिग्री होना चाहिए, बीसीओ भी 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों 90 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों 90 डिग्री मिल गए, तो बस ओ ओ डैश ये और ये आपका इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाइक होता है, प्रूव हो गया। ओके, ये हमने अभी अगली एक्सरसाइज देखी आपके सर्कल्स की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 9 10.4 एक्सरसाइज देख रहे हैं। दो सर्कल है जिनकी जिनमें से एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर है, 5 और 3 इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट पे, और जो डिस्टेंस है मैं आपको करके दिखाता हूं। दो सर्कल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक ये बड़ा वाला जो है इसके 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस है, दूसरे वाले का ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है।
इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट पे जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक आपका ए पॉइंट हो गया, एक आपका बी पॉइंट हो गया, और जो डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इस ओ डैश और इस ओ के दरमियान बीच में अंतर है, डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का जो यहां पर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड मतलब आपको ए बी की लेंथ निकालनी है बेसिकली। तो हमने इसे पहले एक्सरसाइज में भी ये चीज की थी। तो ए ओ ओ डैश ये वाला ट्राइंगल लीजिए, इसमें ये 3 है क्योंकि ये रेडियस है, इसमें ये 5 है क्योंकि ये रेडियस है, तो ये कितना निकल के आएगा करके देख लीजिए आप, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 4² + 3² = 5² 4² + 3² = 5² यानी कि आपका ये वाला 9 + 16 9 + 16 25 ये ए स्क्वायर के बराबर होगा, ए स्क्वायर। अब इससे क्या हो गया कि हमने ये देख लिया कि हाँ भाई 4² और 3² को अगर ऐड करें तो 5² हो जाता है। इसका मतलब अगर हम रिवर्स में चले पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा। थोड़ा बैक चलते हैं, अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री। तो हम यहां पर यही कह रहे हैं कि ए ओ डैश और ओ, हम यहां पर ए ओ डैश और ओ को हम 90 डिग्री कह रहे हैं, ये वाला, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये उल्टा करके हमने लिया। अब इसी तरीके से इस 4² को इस 3² को ऐड करेंगे तो 5² आएगा, मतलब ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा कितना है, ये 90 हमने बता दिया, ये 90 बता दिया, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब ए ओ डैश बी स्ट्रेट लाइन है जिसका मिड पॉइंट आपका ओ है, तो सीधी सी बात है ये 3 है, ये 3 है, कितना हुआ 6, आपका ए बी आएगा 6 सेंटीमीटर। अगली जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें, इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं आपके, एक आप ए बी देख पा रहे हैं, एक सी डी है। ये कॉर्ड सर्कल इंटरसेक्ट करती है इस सर्कल के अंदर। आपको प्रूव करना है कि जो सेगमेंट है ए कॉर्ड का वो इक्वल है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी और सी डी आपको दिया हुआ है, ये आपके दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के जो ई में जाके मिल रहे हैं, यहां पर ई में मिल रहे हैं। आपको प्रूव करना है कि ए ई ये और सी ई ये बराबर है और डी ई और ई बी ये बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन में हम ओ एम को ड्रॉ करते हैं ए बी पे और ओ एम को ड्रॉ करते हैं इस सी डी पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, ओके, ये हम ज्वाइन, उसके बाद हम ओ ई को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाले को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में जो छोटे ट्रायंगल बने ना, जो डॉट 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 करके दिख रहे हैं, ओ एम ई इस वाले ट्रायंगल जिसमें डॉट बना रहा हूं और ये डॉट बना रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें देखिए ओ एम और ओ एन ये क्या है, ये इक्वल, क्योंकि कॉर्ड इक्वल है तो इसका डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ये हम जानते हैं, वी ऑलरेडी लर्न इन द थ्योरी। इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट होती हैं, तो ओ एम को ओ एन हम कह सकते हैं, ये पहला होगा। ओ ई तो कॉमन हो गया इसके बीच में, ये लाइन आप जो देख पा रहे हैं, ओके। इसके बाद हमने 90 डिग्री ड्रॉप किया, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो किससे, आरएचएस एक्सियम से, ये दोनों ट्रायंगल, ये जो छोटे ट्रायंगल हैं, ये दोनों क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये है कि आपका ई एम और ई एन ये किसके बराबर हो गए, एक दूसरे के। ये हम इस कॉन्ग्रुएंसी से लेके आए कि हमारा ये छोटा ई एम और ई एन बराबर। अब आप देखिए ए बी, ए बी और सी डी बराबर है, ये हमने यहां लिख दिया, आधा कर दीजिए जरा ए बी का, आधा ए बी का करें, आधा सी डी का करें, और आधा ए बी का क्या है, ए बी का आधा है ए एम ये पार्ट, और सी डी का आधा क्या है, सी एन ये पार्ट। तो ए एम और सी एन बराबर हो गया, आधा आधा कट जाएगा ऐसे, क्योंकि परपेंडिकुलर जो सेंटर से आता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर हम ऐसे बनाएंगे, कॉर्ड बनाएंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बाइसेक्ट भी करता है। तो सीधी सी बात है, ए एम और एम बी बराबर है, सी एन और एन डी बराबर है। हमने क्या किया, ए बी और सी डी का आधा आधा कर दिया, वो हमने कह दिया आधा इसका ए बी ए एम हो गया, इसका आधा सी एन हो गया। तो इसे क्लियर हो गया, ए एम और सी एन बराबर हो गया, ठीक है। अब इस पहले वाले से और इस दोनों वाले से जरा इस ई एम को जोड़ दीजिए,
एम में इन दोनों को जोड़ दीजिए और इस ई एन को जोड़ दीजिए सी एम में, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों क्या बन जाएंगे ए ई, और ये दोनों क्या बन जाएंगे सी ई। देखिए ई एम को, ई एम को अगर मैं ए एम से जोड़ता हूं तो ये क्या बन जाएगा ए ई, अगर मैं ई एन को सी एन से जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा सी ई, यही यहां पर कहा गया है। अब ए बी सी डी के बराबर है, दोनों साइड जरा ए ई से माइनस करिए, दोनों साइड ए ई से माइनस कर दीजिए, ओके, दोनों को अगर ए ई से माइनस करेंगे तो ए बी माइनस ए ई कितना होता है, ए बी से ए ई माइनस कर दीजिए इतना पोर्शन, तो ये बच जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सी डी से, पूरे सी डी से, पूरे से अगर ए ई काटेंगे, ए ई जो कि हमारा ऑलरेडी सी ई है, हम प्रूव कर चुके हैं ए ई सी के बराबर है, तो इसकी जगह हम सी ई भी लिख सकते हैं, इसकी जगह सी ई लिख सकते हैं, है ना। तो बस बराबर क्या होगा, बी इक्वल टू सी डी माइनस सी, दैट इज बी ई इज इक्वल टू डी ई, ये सी डी माइनस सी ई होगा, ये चीज हो जाएगी ई डी, तो प्रूव हो गया। अगला है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो इसको देखते कैसे करेंगे, इसका पहले डायग्राम बता देता हूं आपको, गिवन क्या है, देखिए इसी तरीके से लिखना है आपको जब सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है ए बी, ये पूरा, ये पूरी लाइन, और मैं इसका कलर चेंज करता हूं क्योंकि ये रेड हो जाएगा ना, तो शो कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं, ओके। इसमें ए बी ए लाइन है और सी डी ए लाइन है ना, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल की जो ई पे आके मीट कर रही है, और जो लाइन पी क्यू आप देख रहे हैं, ये पी क्यू यहां से यहां तक ये ज्वाइन कर रही है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको सेंटर से, और ये हमने आगे बढ़ा दिया इसको। हमको प्रूव करना है कि जो ए ई क्यू है ये वाला एंगल, और डी ई क्यू यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंसी किसकी करेंगे, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि हम ओ से एल पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, और ओ से एम पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर। अब ये जो ओ एल ई है और ये ओ एम ई, दोनों जो ट्राइंगल है इसमें ओ एल और ओ एम बराबर है, क्योंकि जो इक्वल कॉर्ड्स होती है वो इक्विडिस्टेंट होती है, ओ एल ओ एम के बराबर हो गया, ओ ई आप कॉमन देख पा रहे हैं, और ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। इससे आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से सीधी सी बात है कि जो एल ई ओ वाला एंगल ये इसके बराबर हो गया। अगला है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल विद द सेम सेंटर, द सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो देखिए ध्यान से, हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है, जैसे ये है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, ये आपका एक सेंटर है जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को, यहां पर भी इस पे, ये ए पे कर रही है, बी पे कर रही है, सी पे कर रही है, डी पे कर रही है, एक लाइन, और हमको प्रूव करना है ए बी सी डी बराबर, यानी कि ये इसके बराबर है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ओ से एम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, राइट, ए डी आपका जो कॉर्ड है, ये ए डी कॉर्ड है, ये बड़े सर्कल की है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ए एम बराबर एम डी, क्यों, अगर ये अंदर वाला सर्कल को हम भूल जाए और केवल ये माने कि एक कॉर्ड है और उस पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको, इसी बाइसेक्ट के कारण हमने ए एम को डी एम के बराबर लिख दिया। अब इस बड़े वाले को भूल जाइए, छोटे वाले को लीजिए, उसमें भी यही लॉजिक लगेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब बी एम और एम सी बराबर है। एक काम करिए, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, ए एम को बी एम से सबट्रैक्ट करिए, मतलब बी एम को ए एम से करिए और सी एम को घटा दीजिए डी एम से। ए एम माइनस बी एम कितना होता है, ए एम से अगर हम बी एम वाला पोर्शन हटा दें तो क्या कितना बचता है, ए डी बचता है। इस तरीके से एम डी से ये सी एम हटा दें तो कितना बचता है, सी डी, तो बस ए बी सी डी के बराबर हो गया। अगला है, तीन लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, ये खेल खेल रही है सर्कल, रेडियस 5 मीटर है एक पार्क में, रेशमा बॉल फेंकती है सलमा को, सलमा मनदीप को, मनदीप रेशमा, इस तरीके से चल रहा है। अगर डिस्टेंस रेशमा और सलमा और सलमा और मनदीप के बीच में 6 मीटर का है, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस रेशमा और मनदीप के बीच में कितना है,
इसका मतलब ये है, ये आर से रेशमा है, एस से सलमा है, एम से मनदीप है, ये तीनों यहाँ पर खड़ी हो गई। अब ये खड़े होके एक दूसरे को ये चीजें बॉल फेंक रहे हैं। अब हमको ये बताना है कि जो डिस्टेंस है ये वाला इन आर और एम के बीच में, ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरी लाइन बतानी है। ये तो इन्होंने दे रखा है, ये 6 मीटर है और ये 6 मीटर है, ये इन्होंने दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि ओएल, पहले तो हम आर और एस को, इस आर और एस को ज्वाइन कर लीजिए, इस लाइन को इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम ओएल को ड्रॉ करेंगे, इस ओएल को ड्रॉ करते हैं इस आर एस पे। तो सीधी सी बात है कि ओएल स्क्वायर प्लस दिस पाइथागोरस थ्योरम ले रहा हूं मैं, और अगर मैं ओएल को, इस ओएल को लू और इसको स्क्वायर करूं, इस ओएल स्क्वायर को मैं इस आर एल स्क्वायर से ऐड करूं, तो ये 5 मीटर, मतलब 5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि आर ओ स्क्वायर होना चाहिए, वही यहां पर। तो अगर ओएल स्क्वायर निकालना है तो ओ आर स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 16। अंडर रूट निकालेंगे तो 4, तो ओएल आपका आ गया, ये परपेंडिकुलर आपका गया 4, ये तो मिल गया आपको। अब इस ट्रायंगल में ओ आर एस, इस वाले ट्रायंगल को लीजिए पूरे, इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस कितना है 6, ऑल्टीट्यूड अभी भी हमने इससे निकाल लिया 4, तो हाफ इंटू 4 इंटू 6, हाफ इंटू 4 इंटू, हाफ इंटू दिस 5, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, एक तो ये हो गया है ना, हाफ इंटू 6 इंटू 4, ये तो एक ये हो गया। एक और तरीका है इसका, ये वाला जो मैंने बताया आपको, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो ये हो गया। एक और तरीका देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल वायर्स का निकालने का, मतलब है हाफ इंटू के आर, दिस के आर इंट हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस, कौन सा लेंगे हम, ये वाला, ठीक। हम बेस और ऑल्टीट्यूड ये ले सकते हैं, या फिर ये इसको ओएस मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो ओएस 5 के ही बराबर है, ये भी 5 मीटर है, और ये बेस हो गया। बेस अभी हमें पता नहीं है, ये हम आर के लिख देते हैं। हाँ, ये जरूर पता है कि ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, हाफ इंटू के आर इंटू 5, ठीक। दोनों को बराबर कर दीजिए आप, हाफ इंटू 6 इंटू 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू के आर इंटू 5, तो इसको जब बराबर करेंगे तो के आर आ जाएगा, मतलब आपको ये डिस्टेंस तो मिल गया। अब हम जानते हैं कि के आर और के एम बराबर है, ये कितना आया 4.8, जरा 4.8 को ट्वाइस कर दीजिए, वो होगा 9.6। तो रेशमा और मंदीप में ये पूरी, अब अगला क्वेश्चन है एक 6 नंबर का, 9.6, इसमें है सर्कुलर पार्क आपका दिख रहा है यहाँ पर, इसमें अहमद साहब है, सैयद भाई है और डेविड, मिस डेविड, ये तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोस्त हैं, और आपस में ये एक स्ट्रिंग से, टेलीफोन टॉय की स्ट्रिंग से बात कर रहे हैं, इस तरीके से समझिए इसको। ये तीनों साहब यहां यहां बैठे और ये आपस में स्ट्रिंग से बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये जो ज्वाइन हो रहा है इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रॉइड है ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है लाइन को, जो मीडियन, बेसिकली सेंट्रॉइड इस मीडियन को डिवाइड करता है आपके 2:1 रेशियो में, ये हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें। तो अब देखिए हमने क्या किया, इसको एक्स, इसको एक्स, इसको एक्स, इसको एक्स, इसको एक्स, इसको एक्स मान लिया है ना, नंबरिंग दे दी सबको, ए एस डी, यहां पर हमने क्यू दे दिया, पी दे दिया, आर दे दिया, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, अच्छा एक्स एक्स क्यों किया, क्योंकि ये मीडियन भी है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये बाइसेक्ट भी करती है, तो ये एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स एक्स, ये वाला ट्रायंगल लीजिए। इस ट्रायंगल में क्या है, ये राइट एंगल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अभी ये पता नहीं है, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, ये देखिए ओपी स्क्वायर, अगर हमको निकालना है, ये लाइन निकालनी है ओपी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर, यानी कि 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा ओपी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे लाइन को अगर निकालना है तो इसका 1 टाइम ये प्लस इसका 2 टाइम, उसी का 2 टाइम, इसी का 2 टाइम, क्योंकि सेंट्रॉइड डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 में, तो अगर हम ये ले रहे हैं तो इसका ट्वाइस अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरी एपी आ जाएगा, ये एपी, ठीक, ये बात होगी। अब हम इस एपीडी पूरे ट्रायंगल को लेंगे, इसमें क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर जो हम अभी भी यहां से लेंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यानी 2x स्क्वायर, ये एक्स है, ये एक्स है,
ये आपका 20 जो भी आया, मतलब यहाँ पर 3 अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया और ये आपका एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर लेना है, बेसिकली हमने ये लिखा है पीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस, अब ये क्या चीज है, ये हमें अभी अभी यहां से निकाला, ये यहां दिए, इसको सॉल्व करिए, ये आपकी एक्स स्क्वायर वाली, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 9 आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो एक्स आपका एक्स स्क्वायर आपका 300 आएगा, बेसिकली 10√3 आएगा, और हमको चाहिए ये एक्स और ये एक्स, यानी कि 2x, तो 2 × 10√3 = 20। तो ये हमने एक्सरसाइज देखी आपकी एक और क्लास 9, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स, इसमें 10.5 देख रहे हैं एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 में है, इस फिगर में ए, ये ए बी और सी, ये तीन पॉइंट है सर्कल पे, जिसमें सेंटर वो दिख रहा है आपको ये, और इसमें जो बीओसी एंगल है ये वाला आपको 30 डिग्री आपको बनाया गया है, ये 30 डिग्री है, ऐसी ए ओ बी आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री। यदि डी कोई पॉइंट है सर्कल में, इस आर्क के अलावा ए, इस आर्क ए बी सी के अलावा यहां पर डी पे कोई पॉइंट है, तो आपको ए डी सी ये फाइंड आउट करना है, ये कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए वैसे तो इसका थ्योरम है बाकायदा, कि अगर कोई भी आप पॉइंट ले, बल्कि कॉर्ड ले, तो पॉइंट ले दो, उससे जो उसी कॉर्ड पे जो एंगल सेंटर पे बनाएगा और जो किसी भी पॉइंट पे बनाएगा इसके अलावा, तो ये इसका डबल होगा, यानी कि ये इसका आधा होगा, तो सीधी सी बात है, कुल मिला के कितना बन रहा है 90, और तो ये कितना हो जाएगा 90 का आधा 45, लेकिन मैं आपको इस तरीके से करके दिखाता हूं, हमारे पास ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, यानी कि ये कुल मिला के कितना हो गया 30 + 60 = 90 डिग्री, 60 + 30 = 90 डिग्री। अब हम जानते हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, कि जो एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो एक आर्क द्वारा, ये एबीसी आर्क द्वारा जो सेंटर पे है, वो डबल होती है बाकी किसी पॉइंट पे, मतलब इट इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर बाय चांस ये डी यहां पर भी आप ले लेते और इसको ज्वाइन करते, तब भी यही रीजनिंग होती, ये भी एंगल, ये एंगल भी 45 डिग्री ही होता। तो इसका मतलब ये है कि एओसी क्या होगा, दिस एओसी विल बी नथिंग बट हाफ ट्वाइस ऑफ एडीसी, एडीसी निकालना है तो एओसी का हाफ कर दीजिए, एओसी 90 है, 90 का हाफ कर दीजिए, 45 डिग्री आ जाएगा। अगला है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, कॉर्ड सर्कल का बराबर है रेडियस सर्कल के, आपको एंगल निकालना है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इसको कैसे करेंगे, सवाल फिर से समझिएगा, एक कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वो बराबर है रेडियस के, कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि ये अगर ये रेडियस है ए बी और हम इसको कॉर्ड माने ए बी को, तो ए बी को हम कह रहे हैं कि चलिए ये ए बी ए ओ और ओ बी के बराबर है, क्योंकि ए ओ ओ बी तो आर आर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये कॉर्ड है, ये तीनों हमने कहा ये बराबर है। ओके, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, जो कॉर्ड जो एंगल है इस कॉर्ड द्वारा माइनर आर्क पे जो एंगल है ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क पे भी एंगल निकालना है, माइनर आर्क पे भी एंगल निकालना है, तो उसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये तीनों साइड बराबर है, किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड बराबर होते हैं तो उसके एंगल आपका 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, इस तरीके से तीनों एंगल बराबर होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो एंगल सबटेंड किया जाता है एक आर्क द्वारा सेंटर पे, वो डबल होता है वही अगर आर्क किसी और पॉइंट पे बनाए, इसका मतलब यह है कि जो ये ए ओ बी है वो इस ए सी बी का ट्वाइस है। ठीक है, हम इसका बाद में निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे, है ना, पहले इसका निकालते हैं। तो इसका मतलब ये 60 है, तो ये 60/2 यानी कि 30 होना चाहिए, अगर ये 60 है तो ए सी बी कितना होना चाहिए 60/2 दैट इज 30 डिग्री। अब ये रिफ्लेक्स, ये वाला एंगल क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल है ए ओ बी का, तो आप ये वाला एंगल, दिस इज ए डी बी, दिस इज द रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी, नथिंग बट ए ओ बी का रिफ्लेक्स है, मतलब अगर ये इस तरीके से आप देखें,
ये एंगल इसका रिफ्लेक्स है, यानी 360 में से आप 60 माइनस करें ये वाले का, कितना आएगा 300, और उसका आधा कर दे, मतलब ADB इज नथिंग बट हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ AOB, AOB का रिफ्लेक्स है 60, पहले तो इसका रिफ्लेक्स निकालिए 360 में 60 माइनस कर 300, इसका आधा है ये इस लॉजिक से, तो 300 का आधा करिए 150 आएगा, तो जो एंगल सब्टेंड हो रहा है इस क्वाड द्वारा माइनर आर पे वो 150 डिग्री है, ओके, और जो मेजर आर पे हो रहा है वो हमने पहले निकाल लिया 30 डिग्री, यहां पर हमको 30 डिग्री। इस फिगर में आपका जो ये फिगर है, इस फिगर में पी क्यू आर 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, जिसमें पी क्यू और आर ये पॉइंट्स है सर्कल पे जिसमें सेंटर ओ है, आपको ओपीआर निकालना है, ओपीआर ये वाला एंगल निकालना है, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर का निकाल लेते हैं, जो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, ये एंगल कितना होगा, ये होगा इस 100 का दुगना, मतलब 100 का दुगना निकालिए, जो अभी भी हमने किया था 100 का दुगना कितना होता है 200, इसको 360 से माइनस कर दीजिए 160, तो POR आपका ये वाला तो आपका 160 हो गया, ये क्लियर है 160। अब इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ना इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ये R है, ये R है, है ना, और ये R R है, इसका मतलब ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए, अभी अभी हमने कितना निकाल लिया 160। अब 160 प्लस दिस प्लस एक्स, ये कितना होता है 180 डिग्री, 2x कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा 10 डिग्री, तो ये एंगल या ये एंगल ये आपका 10 डिग्री आएगा। अगला है, इस फिगर में ABC आपको दिया हुआ है 69, ये वाला एंगल पूरा है 69, ये ACB दिया है 31, आपको BDC निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, अब पहले तो आप ABC ट्रायंगल को देखिए, इन तीनों को अगर हम इन तीनों एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री आता है, 69 प्लस 31 प्लस x, ये हमें पता नहीं है, इसको बराबर करिए 180 डिग्री के, तो ये एंगल कितना आएगा, दिस एंगल विल बी 180 माइनस ये 69 प्लस 31 होता है 100 डिग्री 80 डिग्री। अब ये ध्यान रखिएगा, एक ही बेस पे किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाएंगे, चाहे ये भी हो और चाहे ये हो, जो आप देख पा रहे हैं BDC वाला एंगल, सब सेम होंगे तो 80 डिग्री। अगला है ABCD, ये चार पॉइंट है, ABC और D, ये चार पॉइंट है सर्कल में, इसमें जो AC है ये वाली लाइन और जो BD है ये इंटरसेक्ट करती है E पे, इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि BEC 130 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं ECD ये 20 डिग्री हो गया, आपको BAC निकालना है, BAC का तात्पर्य आपको ये एंगल निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो BEC और DEC ये कुल मिला के हो रहा है 180 डिग्री, कैसे आप इसको बताइए कैसे हो रहा है, क्योंकि लीनियर पेयर है, आपका ये एंगल है BEC, ये एंगल और DEC, इसको मैं इस तरीके से बताता हूं, ये आपका BD है, ये आपको लाइन दिख रही है, तो मैं कह रहा हूं ये एंगल 130 डिग्री और ये x, ये कुल मिला के हो रहा है आपका 180 डिग्री, तो ये DEC क्या होगा, ये वाला एंगल अगर हमको निकालना है तो 180 से 130 माइनस कर दीजिए 50 डिग्री, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री, ये 50 आ गया। तो इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, BEC के ये 50 है ये 20 है, मतलब इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं, ये आपका आ गया 50, ये आपको 20 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 50 प्लस 20 दैट इज 110, 110 आ गया, देखिए 50 प्लस 20 प्लस CD 180 डिग्री है, ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल के एंगल जो अंदर का सम होता है 180 डिग्री होता है, CD आपका 180 माइनस 70 के अंदर ले गया तो 110 डिग्री आ गया। अब आप जानते हैं कि ये जो एंगल है ये वाला ये इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सेम कॉर्ड है, सेम कॉर्ड से कहीं भी बनाए आप, सेम कॉर्ड से ऐसे बनाए किसी पॉइंट पे सर्कल के, तो एंगल बराबर ही होगा, तो ये अगर आपका 110 डिग्री आपने जो निकाला ये वाला, तो ये भी 110 डिग्री होगा, तो ये भी 110 होगा। फिर अगला है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगनल इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ई पे, यदि DBC 70 डिग्री है, ये आपका DBC 70 डिग्री है और BAC आपका 30 डिग्री है, आपको BCD निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है BC, ये वाला एंगल निकालना है, ओके,
और अगर यदि ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, तो आपको ई सी बी निकालना है, ई सी बी ये वाला, ठीक है। ये हम कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत क्लैरिटी है, आपको बस ट्रायंगल के जो अंदर के एंगल होते हैं उसको लेना है, है ना। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है वो देख लीजिए। देखिए जो एक सेगमेंट पे एंगल बनेंगे उसमें सी ए डी, अगर आप देखें तो जो सी ए डी है आपका, सी ए डी ये एंगल, ये सी ए डी और डी बी सी, डी और बी और सी, आप अगर डी सी पे मानिए तो देखिए इस पे एक 70 डिग्री आपको मिल रहा है, ये 70 डिग्री और ये 70 डिग्री मिल रहा है, तो क्योंकि सी ए डी और डी बी सी एक ही लाइन पे, मैं फिर से बताता हूं, अगर आप देखें इसको कि एक हमारे पास तो 70 डिग्री दिया हुआ है डी बी सी, तो ये डी बी सी तो ये 70 दिया हुआ है, मेरा ये कहना है कि सी ए डी, सी ए डी इस लाइन पे देखें तो ये एक सबटेंडिंग है, ये एक सबटेंडिंग है, मतलब कॉर्ड सी डी में ये एंगल 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये हम जानते हैं एक कॉर्ड के एंगल सबटेंडिंग एक होते हैं। लेकिन इसमें जो डी ए बी है ये वाला, अगर आप देखें ये वाला पूरा एंगल कितना होता है, ये 70 है और ये हमको 30 दिया हुआ है, 70 और 30 मिला के कितना हो जाएगा 100 डिग्री। लेकिन जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट साइड को अगर ऐड करें, अपोजिट एंगल को ऐड करें तो 180 डिग्री होता है, यानी कि आप इस पूरे को और इस पूरे को ऐड करें, इस बी सी डी को, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। अभी अभी हमने निकाला ये 100 डिग्री है, हमने अभी अभी डी ए बी 100 डिग्री निकाला, तो ये कितना आ जाएगा, बी सी डी 100 माइनस 180 दैट इज 80 डिग्री, तो बी सी डी कितना हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, यहां तक हमारे पास ये पूरा एंगल आ गया। अब उसके बाद हम जानते हैं कि ए बी और बी सी बराबर है, ओके, ए बी और बी सी बराबर है क्योंकि इन्होंने दे रखा है, ए बी और बी सी बी सी बराबर है, और ये ए बी ये वाला और बी सी बराबर है, इसका मतलब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये पूरा कितना है 80, 30 में 80 माइनस करिए ये कितना हो जाएगा 50, राइट, ये आपको 50 डिग्री हो जाएगा, तो आपका एक ये पूरा का पूरा 80 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इन्होंने सवाल ये पूछा है कि डायगोनल किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये डायमीटर्स है, मतलब ये सेंटर से पास हो रहे हैं, ए सी भी ए और सी डायमीटर है और डी और बी डायमीटर है और क्वाड्रिलेटरल बनता है इसके अंदर, आपको ये क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है, ओके। तो अगर हम ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करें, पैरेलल प्रूव करें, तो आपका पैरेललोग्राम कर लें पहले, और पैरेललोग्राम के बाद ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें तो आपका ये बन जाएगा क्या, रेक्टेंगल। तो फिर से मैं बताता हूं कि ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और जिसकी डायगोनल आप देख रहे हैं ए बी ए सी और डी बी, ये डायमीटर है जो सर्कल पास ये ए बी सी डी से पास हो रहा है, ए बी सी डी इसमें रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले ए ओ डी और सी ओ बी लीजिए, ए ओ डी और इस ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें देखिए ये दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस है, ये एंगल क्यों इक्वल है ये वाले, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इससे ये दोनों ट्राइंगल हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। इसके मिलते ही हमको ओ ए डी और ओ सी बी इक्वल हो गया, यानी कि ओ ए डी ये एंगल किसके बराबर हो गया, ओ सी बी के, ठीक है, ये ओ ए डी हम ओ ए डी ये वाला एंगल ओ सी बी के बराबर बता सकते हैं और ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो अब ये ऑल्टरनेट एंगल है जो ए सी, बेसिकली ये वाला जो एंगल हमने इक्वल किया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल है, एक मैंने ये कहा कि मेरे पास दो आपके पास लाइन है, मैंने कहा कि ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये है दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ए डी और सी सी बी सी पैरेलल है। अब आप ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए, इसमें भी ये काम करिए, तो आप ये प्रूव कर सकेंगे कि ए बी और डी सी पैरेलल है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, अपोजिट। अब इसमें पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी और ए डी सी भी बराबर है, ए बी सी और ए डी सी, ये क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं।
दूसरा यह है कि एबीसी और एडीसी को इन दोनों को ऐड कर दें आप तो 180 डिग्री होता है, ये दोनों बराबर है, दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि जो अपसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एबीसी और एडीसी अगर ये दोनों बराबर है, 180 डिग्री बराबर है, ये दोनों अपने आप में 90 डिग्री होंगे। इसका मतलब एबीसीडी प्रॉपर एक रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया और ये पैरेलल भी है, तो पैरेललोग्राम आपका बड़ी बात है कि रेक्टेंगल हो गया। अगला है, द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल टू द इट इज साइक्लिक। अगर नॉन पैरेलल साइड जो आपके ट्रेपेजियम की इक्वल है, देखिए इसमें ये पैरेलल साइड है, ये हम ये कह रहे हैं ये दोनों इक्वल है, ये नॉन पैरेलल साइड्स है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब ये है कि हम अपोजिट एंगल को जोड़ के इसको या इसको इसको या फिर इसको और इसको जोड़ के हम बोल दें कि 180 डिग्री है। हमको ये साइक्लिक ट्रेपेजियम प्रूव करना है, हम क्या करेंगे, एक ड्रॉइंग में मतलब कंस्ट्रक्शन में DE को पैरेलल परपेंडिकुलर बना दीजिए इसके और CF से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। इससे हमें क्या हुआ, अगर हम ये DE एंगल इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखते हैं तो हमें बताया गया है कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमें 90 डिग्री बनाया अभी भी ओके, और ये हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई, ये 90 डिग्री हो गया और DE और CF इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, कोई किसी भी पैरेलल लाइन से अगर परपेंडिकुलर इस तरीके से बनाएंगे ये और ये तो इक्वल होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिमेंस कांस्टेंट चाहे कितने भी दूर तक चले जाए। इससे क्या हुआ, ये ट्रायंगल आपका कॉन्वर्ट हो गया। इससे क्लियर हो गया कि ये एंगल ए और बी आपका इक्वल हो गया। इसी से आपको ये भी मिला कि ए डी ई ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल हो गया, किसके, बी सी एफ के। इससे आपको एक और चीज भी मिली कि ए डी एफ बी सी एफ के इक्वल है। जब आपको ये मिल गया, दोनों साइड जरा 90 डिग्री ऐड करिए, 90 डिग्री मतलब क्योंकि DEA CFB दोनों हमने 90 डिग्री बनाया, तो ADE में हम इस 90 डिग्री की जगह आप CDE कर दीजिए, इस 90 डिग्री की जगह आप DCF कर दीजिए ओके। ये दोनों हम जोड़ते ही हमारे पास, हम करना क्या चाह रहे हैं, इस ADE में हम ये जोड़ना चाह रहे हैं बस, इस हम AD में CDE जोड़ दिया और इस BCF में, इस BCF में इसमें हम ये जोड़ना चाह रहे हैं। हमने दोनों साइड, हमने ये कहा ना ये 90 और ये 90 है, ये तो 90 है, 90 की जगह हमने ये जोड़ दिया, हमने प्रूव कर दिया था कि 90 डिग्री क्योंकि हमने खुद बनाया हुआ है। अब यहां पर हमने कहा कि डी और सी बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया ओके, क्योंकि ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो डी आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सी आएगा, और सी डी के बराबर है और ए बी के बराबर है, ये वाला ए बी तो हमने अभी भी प्रूव किया ना, ये वाला ये देखिए अभी हमने प्रूव किया, सी और डी को भी बराबर कर दिया, चारों को जरा जोड़ दीजिए, चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। अभी दोनों बराबर है, यानी कि ए बी के बराबर है तो दो बी लिख दीजिए, सी डी के बराबर है तो दो डी लिख दीजिए, तो टू आ जाएगा, ट्वाइस बाहर ले लीजिए, बी प्लस डी 360 बाय टू कर दीजिए 180 डिग्री, बी प्लस डी यानी कि मैं जब बी और डी को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आ रहा है, और अपोजिट साइड अगर क्वाड्रिलेटरल के जोड़ेंगे 180 डिग्री आ रहे थे, इसका मतलब यह है कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या कि साइक्लिक ट्रेपेजियम है। अगला है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किए किस तरीके से, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमने क्या किया, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, इसका हमने इनको डायमीटर लेके सर्कल बना दिया, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और बी, ये तीसरे दिस लाई ऑन दी थर्ड साइड। अगर हमने दो, एक बात से इसको समझिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि एक सर्कल ड्रॉ किया है, दो साइड ट्रायंगल के हमने डायमीटर ले ली, मतलब हमने क्या किया कि एक डायमीटर इस तरीके से लिया और उसके बाद उसको सर्कल बना दिया, एक डायमीटर लिया सर्कल बना दिया, एक डायमीटर लिया सर्कल बना दिया, ऐसे करके। तो ये कहना है कि अगर ये दोनों जो पॉइंट बनेंगे इंटरसेक्शन के, वो तीसरी साइड पे लाई करेंगे, लाई ऑन दी थर्ड साइड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो साइड ए बी, ये ए बी एक हमारे पास साइड होगी और ए सी एक साइड होगी ना, और ये हम इनको मानेंगे डायमीटर। ये हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको जोड़ देते हैं, ये डी पे आ गया। डी बताना है कि ये डी है वो बी सी पे लाई करता है, हमारा प्रूफ ये करना है, यानी बी डी सी कोलिनियर है स्ट्रेट लाइन पे। तो हम क्या करते हैं, डी को एडी को ज्वाइन कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि ए डी बी
ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमने जो क्वाड लिया है ये डायमीटर लिया, और डायमीटर डायमीटर से जब एंगल बनाते हैं तो ये होता है 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बने ये आपका 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये मैंने टी का आधा होता है यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, दोनों यही रीजनिंग है। अगर हम इन दोनों को देखें और इन दोनों एंगल को हम जोड़ दें तो कितना बनेगा 180 डिग्री, यानी इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे ए डी बी, ये वाला एंगल सर गलत हो गया, ये और ये वाला ये, क्योंकि डायमीटर ये है तो एंगल सप्लेंड ये है कर रहा है, डायमीटर ये है एंगल सप्लेंड ये कर रहा है, ये अलग, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है 180 डिग्री, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन, बस डी लाइन कर रहा है इसी पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस थर्ड साइड पे ये लाइन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट एंगल्स राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी, आपको प्रूव करना है सीएडी और सीडीबी बराबर है, इसमें ए बी सी ये राइट एंगल है, ए डी सी ये भी राइट एंगल है 90 डिग्री, इसका हाइपोटेन्यूज ये कॉमन है एसी, ये वाला कॉमन है, आपको प्रूव करना है सी ए डी यानी कि ये वाला एंगल और सी डी बी ये वाला एंगल, सी और डी और बी ये वाला एंगल, ये दोनों आपके बराबर है, राइट। चलिए यहां पर हम ओ ये मिड पॉइंट है इसका एसी का, अब देखिए ये ए ओ ओ सी ये सारी चीजें एक जैसी, क्यों, क्योंकि ये आपकी एक तो ये देखिए सर्कल तो बन ही रहा है तो सर्कल को देख के आप बता सकते हैं कि रेडियस है, लेकिन इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का किसी भी राइट एंगल का वो इक्वी डिस्टेंस होता है वर्टिसेस ओ से, वर्टिसेस किससे, इस पॉइंट से, क्यों, क्योंकि हम यहां से अगर सर्कल ड्रॉ करें तो ये रेडियस के बराबर होता है, ओके। अब हम ये भी जानते हैं कि जो एंगल सेम सेगमेंट पे होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए जो सी ए डी है आप देखिए सी ए डी ये वाला एंगल, ये वाला सी ए डी अगर हम ये वाला देखें तो इस बेस से बना है, और सी बी डी देखे ये वाला सी और बी और दिस सी बी और डी ये इससे बना हुआ है, या आप कहें यहां से हम यू बनाएंगे तो ये एंगल बेसिकली एक ये है डी सी, एक एंगल ये बना रहा है सी बी डी, एक एंगल ये बना रहा है सी ए डी, हम कह रहे हैं ये दोनों एंगल और सी, ये इसकी इसका लॉजिक है। अगला सवाल है कि हमको प्रूव करना है साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है, हम ऑलरेडी वैसे पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, लेकिन हम यहां पर दूसरे तरीके से करेंगे, एबीसीडी आपका साइक्लिक पैरेललोग्राम है, हमको प्रूव करना है एबीसीडी रेक्टेंगल है। साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब यह है कि सबसे पहले एबीसी और एडीसी बराबर, क्यों, एबीसी और एडीसी आपके बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। लेकिन आप देखिए एबीसी को अगर मैं इस एडीसी से जोड़ता हूं तो कितना बनेगा 180 डिग्री, मैं कह रहा हूं ये दोनों बराबर है, मतलब ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री, मतलब एबीसी और एडीसी दोनों 90 डिग्री, तो सीधी सी बात है कि जब ये 90 डिग्री है ये भी 90 ये भी 90, यही लॉजिक हम यहां भी लगा सकते हैं, 90 डिग्री सारे 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम भी है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। तो ये बात हुई आपकी एक और एक्सरसाइज जो हमने क्लास 9 की देखी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्लास 9 सर्कल्स इसकी अगली एक्सरसाइज देख रहे हैं जो कि 10.6 है, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल यानी कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, बट मैं एडवाइस करूंगा कि हमेशा ये ऑप्शनल देखें, एग्जाम में कभी कभी इस पैटर्न के भी क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। पहला है प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स, ये दिखा देता हूं मैं आपको, लाइन ऑफ सेंटर्स अप टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये दो सर्कल आप देख रहे हैं जिसका एक का सेंटर O डैश है एक का सेंटर O है, आपको ये बताना है कि यदि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पर तो O A O डैश यानी कि O ये O A O डैश ये वाला एंगल और O B O डैश यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, जो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं वो सब्सटेंड करते हैं समान एंगल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, दो सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो इस पे जो एंगल बना रहे हैं ये वाला
और ये वाला, ये दोनों सेम है। ओके चलिए मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं। तो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें ओ डैश ये वाला, ये और ये सेंटर की लाइन ज्वाइन हमने की, और ए बी आपका वो कॉर्ड कह सकते हैं, या ए बी आपने इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ये आपका रेडियस है एक पहले सर्कल का, ये दूसरे सर्कल का रेडियस है, ऐसी ये इस सर्कल का रेडियस है, ये इस सर्कल का रेडियस है, ये ज्वाइन किया हमने ओ ए, ओ डैश ए और ओ बी, ओ डैश बी। अब इसमें आप देखिए कि ए ओ ये वाला, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, क्यों, दोनों रेडियस है। इसी तरीके से ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमने लिए हैं कौन कौन से, ए ओ डैश और ओ, यानी कि ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में ए, ये और ये बराबर है क्योंकि रेडियस है इस सर्कल के, ये और ये बराबर है क्योंकि रेडियस है इस सर्कल के, ये लाइन ओ ओ डैश कॉमन है दोनों में, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सीधी सी बात है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट्स सेंटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें दो कॉर्ड्स है, एक ए बी है एक सी डी है, दो कॉर्ड ए बी सी डी, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक की लेंथ है 11 सेंटीमीटर। इसमें ये बताया गया है कि ये दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और अपोजिट साइड में है, ये सेंटर अगर है तो एक ए बी यहां पर है एक सी डी यहां पर, अपोजिट साइड में। यदि डिस्टेंस ए बी और सी डी के बीच में 6 सेंटीमीटर का है, ए बी और इसके बीच में डिस्टेंस ये कुल मिला के 6 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस निकालना है इस सर्कल का। तो हम मानते हैं ये ओ आपका सेंटर हो गया, सेंटर है सर्कल का, आर हम मान लेते रेडियस है, देखिए ये आर रेडियस हो गया, ये भी आर रेडियस हो गया। हम क्या करते हैं कि ओ एम ये सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ओ एल से परपेंडिकुलर डालते हैं, ओ एल सी डी के परपेंडिकुलर है और ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है। अब देखिएगा ए एम इसमें क्या बनेगा, ए एम, दिस ए एम विल बी हाफ, मतलब इसका इस ए बी ए एम होगा ए बी का हाफ, ए बी का हाफ, और ऐसे सी एल क्या हो जाएगा, सी डी का हाफ। ये आप जानते हैं अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है सेंटर से किसी कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट भी करती है, तो ए एम हो जाएगा बेसिकली दिस ए बी बाई टू, ए बी अप, ए बी इज दिस दिस डिस्टेंस, दिस इज 5, तो 5 बाई टू, और ये क्या हो जाएगा सी डी बाई टू, यानी कि सी एल हो जाएगा सी डी बाई टू, ये 11 है, ये 11 है तो ये 5 है, तो 11 बटे 2, तो ये ए एम और सी एल मतलब आधे आधे ये वाले पार्ट हमारे पास आ गए, ये 5 बटे 2, ये 11 बटे 2। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है इससे ये प्रतीत होता है कि जो पॉइंट्स ओ एल एम आपके कोलिनियर है स्ट्रेट लाइन, तो ये यहां से आता डिस्टेंस हमने कितना बताया था 6 सेंटीमीटर का। ओके अब मान लीजिए कि ये जो OL है आपका X है, जो कुल मिला के कितना है 6, तो ये कितना होगा 6 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस होगा 6 माइनस एक्स, कुल मिला के 6 है ना, तो ये अगर X माने तो ये 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये दोनों को ज्वाइन हमने कर ही रखा है, ये कर ही रखा है, तो अगर हम इस OA इसको R मान ले और OC को R मान ले, तो ये दोनों राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया, इसमें क्या होगा, अब लगा दीजिए इस वाले पहले वाले में AO square is equal to AM square plus OM square, यानी कि R square is equal to 5 square plus 6 minus X square, बल्कि 5 by 2 का हो square, और इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला OC square, यानी कि R square is equal to OL square, ये क्या है OL square, OL square आपका है X square, क्योंकि ये X माना तभी ये 6 माइनस हुआ, और CL क्या हुआ आपका 11 बटे 2 OL square, ये वाला हो गया ना, ये आप समझ गए, दोनों हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 6 माइनस X का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों R है, R square ना,
दोनों को इक्वेट करिए, x स्क्वायर का सॉल्यूशन लीजिए, x आपका 1 आ रहा है। अब x को 1 को इनिशियल इक्वेशन में जाके रखिए तो आपका r आएगा 5 root 2, ये आपका रेडियस है। अगला है लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर 6 and 8 सेंटीमीटर। लेंथ दो पैरेलल आपके कॉर्ड के सर्कल के वो 6 और 8 सेंटीमीटर है। ये मैं डायग्राम दिखाता हूं, जो पैरेलल कॉर्ड्स है ये आपका एक पैरेलल एक कॉर्ड हमने बोला कि पी क्यू है, एक आपका पैरेलल कॉर्ड हो गया आर एस। जो दो पैरेलल कॉर्ड इस सर्कल के हैं वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला कॉर्ड देख रहे हैं, छोटा वाला जो कॉर्ड है जो नीचे आप देख रहे हैं जो आर एस, ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसका यहां से देखकर सेंटर से। और वॉट इसका डिस्टेंस, जैसे ओ एल डिस्टेंस आप बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर इस डायग्राम के हिसाब से, तो आपको ओ एम निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना, इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो मानिए कि ये पी क्यू, ये वाला पी क्यू और आर एस ये आपको पैरेलल है, सेंटर इसका ओ है। हमारे पास पी क्यू इन्होंने दिया हुआ है 8, आर एस दिया हुआ है क्या 6, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। कैसे, जैसे हम किसी भी सर्कल में अगर हम एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर भी होता है, ये इसको बाइसेक्ट भी करता है। तो क्योंकि ये 8 है तो ये आधा 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 4 हो जाएगा, ये कुल मिला के 6 है तो आधा 3 हो जाएगा, है ना। तो अब ओएल हो गया आपका 4, ये वाला दिस ओएल, ये ओएल 4 दिया हुआ। आर एल क्या मिल गया आपको, दिस आर एल, ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है ये 3 है, तो ये रेडियस का मिल गया। जरा लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, एक 3 है एक 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 होगा, 3² + 4² का अंडर रूट, तो ये आपका हो गया 5, ओ आर भी 5 हो गया। अब रेडियस आपको 5 मिल गया, अब आपको रेडियस 5 मिल गया, ये रेडियस आपको मिल गया, ये तो ये रेडियस भी तो है ये 5, ये कितना है, व्हाट इज दिस, ये 4, क्योंकि 8 का आधा 4। अब ये निकालना है तो कितना करेंगे, 5² - 4² अंडर रूट का, 5² - 4² अंडर रूट कर दीजिए 3, आपका डिस्टेंस जो है दूसरे कॉर्ड का वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर था ये 3 सेंटीमीटर ऐसे। अब अगला क्वेश्चन है, लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल एबीसी, ये देखिए ए है बी है सी, लेट द वर्टेक्स ऑफ एबीसी बी लोकेटेड आउटसाइड सर्कल, ये सर्कल के बाहर है, तो जो साइड है एंगल के इंटरसेक्ट करते हैं कॉर्ड ए डी, ये वाला कॉर्ड ए डी है और सी, आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये बराबर है इस एंगल और इस एंगल के डिफरेंस की, यानी कि ए ओ सी और डी ओ ई के डिफरेंस। और जो ए सी है वो ये एंगल बना रही है, डी ये एंगल बना रही है, तो आपके पास दो इक्वल कॉर्ड है, एक तो ई डी इक्वल दिया हुआ है सी ई के, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, इससे हमारी बहुत सारी चीजें बनने वाली हैं। और अब हमको प्रूव करना है ये, ठीक, तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा। हम इसको मानते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, ये जेड हो गया, ये भी जेड हो गया, ठीक। जेड जेड क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। अब देखिएगा कि सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, ये पॉइंट के अक्रॉस सारे एंगल कितने होंगे 360, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, राइट। तो एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड कितना हो जाएगा 360 डिग्री, आप समझ रहे ना, एक पॉइंट है उसके आसपास ही सारे एंगल है, तो पॉइंट के आसपास सारे एंगल जोड़ दिए जाए तो 360 के बराबर होते हैं। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, एक्स को रखता हूँ, बाकी सब इधर ले आता हूँ, एक्स 360 - y - y - 2z, ये हो गया एक्स, मुझे यहां से दिख गया, ठीक। अब देखिएगा ये एक्स है, ये क्या है, दिस इज रेडियस, ये कितना हो जाएगा, इस भी ट्राइंगल को ले लेते हैं, इस पूरे ट्राइंगल को ले लेते हैं, तो इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए P, तो P plus X कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 2P plus X हो जाएगा 180 डिग्री, तो 2P हो जाएगा 180 - X, अगर 2 डिवाइड करेंगे इससे तो ये 90 हो जाएगा -X/2, P कितना हो जाएगा 90 - X/2,
तो ये कितना आया हमारा 90 - x/2, ये हो जाएगा 90 - x/2। ये रीजनिंग हम इसके लिए लगाएंगे z के लिए, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा 90 - z/2, ये भी हो जाएगा 90 - z/2, ये भी इसी तरीके से, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और हमने ये z माना है, तो ये भी हो जाएगा 90 - z/2, ये एंगल हो गया 90 - z/2, राइट। अब आप देखिए कि ये एंगल पूरा का पूरा यहां से यहां तक कितना होगा, ये एंगल पूरा का पूरा कितना होगा, अंदर के एंगल का सम, यानी z, ये पूरा z और ये भी 90 - z/2 ही है, अपोजिट एंगल है ना, ट्राइंगल के अपोजिट एंगल, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, इसका और इसका एडिशन, यानी कि अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल बन रहा है 90 - z/2 प्लस z, तो ये हो जाएगा 90 + z/2 ना, ये पूरा कितना बन गया 90 + z/2, ये इसके लिए भी होगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा 90 + z/2। अब इस एंगल को हमें निकालना हो, अगर इस एंगल को, अब ये वाला कितना होगा, ये वाला पहले ये निकाल लें, ये छोटा सा कितना होगा, ये होगा आपका 90 - y/2, फिर सेम रीजनिंग जैसे 90 - z/2 आ था वैसे 90 - y/2। तो अगर मुझे देखिए ये 90 - z/2 है, ये 90 - y/2 है, ये पूरा का पूरा मेरा एंगल कितना है 90 + z/2, तो अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना हो केवल ये वाला पूरा पार्ट, तो मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले को इससे माइनस कर दूंगा, 90 + z/2 -90 - y/2, तो कितना हो जाएगा 90 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको खोल देता हूँ, 90 + z/2 -90 + y/2, तो ये हो जाएगा कैंसिल, z + y/2, ओके। अब ये वाला हमारा जो एंगल हो गया z + y/2, ये एंगल हो गया z + y/2। अब इस ट्रायंगल को देखिए जरा, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में अगर एंगल बी निकालना हो तो क्या होगा, this + this + this is 180, ये निकालना हो तो 180 - this + this, यानी 180 - z + y/2, अब ये दो बार है तो इंटू टू कर दीजिए इसको, ये एक बार जोड़ रहे हैं एक बार जोड़ रहे हैं, दो बार है ना, तो हो जाएगा 180 - z + y, ये एंगल हमारा बी आ गया 180 - z + y। अब ये वाला लीजिए, ये x है ये y है, अब इसका डिफरेंस निकालिए x - y निकालिए बस, ठीक, और इसका 2 कर दीजिए, क्योंकि हमको करना क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि x माइनस ये AOC, ये हमने x माना था, ये हमने माना था y, x माइनस वाई और बाई टू, ओके, ये हमको करना है। देखिए x माइनस वाई बाई टू करिए, अब x की जगह हम ये उपयोग करेंगे, ये कितना होगा, x की जगह अभी आधा छोड़ दीजिए, x की जगह लिखिए 360 - y - 2z और -y, ये -y अभी है, ये कितना हो जाएगा 360 - 2y - 2z, ये हो जाएगा, अब इसको 360 - 2 कॉमन ले लीजिए, y - z, है ना, y + z, 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब हाफ बाहर था, तो ये क्या बनेगा 180 - y + z, ठीक, ये x माइनस वाई हमारा 180 - y + z आ रहा है, और ये एंगल B भी यही आया था, ये आया था ना, ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब एंगल B x माइनस वाई बाय टू के बराबर है, जो हम यहां से प्रूव किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एनी साइड ऑफ अ रोम्बस एज डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, अगर हम यहां पर यू ड्रॉ करते हैं किसी भी डायगोनल को, किसी भी इसको लेके साइड को लेकर रोम्बस के यू सर्कल, हमें बताना है कि वो इससे पास होगा किससे, सेंटर से, और वो सेंटर कौन सा होगा, ये इसका डायगोनल की का इंटरसेक्शन। अब देखिए जब ये डायगोनल हमने इंटरसेक्शन किया, अब ये पास कैसे हो रहा है, ये डायगोनल इंटरसेक्शन हो रहा है, डायगोनल इंटरसेक्शन मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना, इंटरसेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है कि जो डायगोनल है वो आपस में 90 डिग्री बनाती है और बाइसेक भी करती है। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कब हो सकता है, जब ये डायमीटर हो तभी तो हो सकता है, जब ये ए बी कॉर्ड किसी भी सर्कल की अगर डायमीटर होगा तभी तो ये 90 डिग्री बनाएगा ना,
तो ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री ऑलरेडी है, इससे प्रूव होता है यहाँ अगर ये किसी भी ये दो साइड को लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ से पास होगा, वो यहाँ पर दिया होगा। अगला है आपका कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, द सर्कल थ्रू ए बी सी डी इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरी प्रूव दैट ए इक्वल टू ए। हमको ये हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं, ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है, हमें इसको बढ़ाया और ए बी सी से जो सर्कल बन रहा है ऐसे अगर हम यू सर्कल घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, तो हमने इसको बढ़ा दिया। ऐसे भी हो सकता है कि हमारा ये बाहर की तरफ जा रहा हो तो हमारा ये सर्कल यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। हमको ये प्रूव करना है इसमें कि ए ई और ए बी बराबर है, इसका मतलब हमको ये और ये एंगल बराबर बताना है, राइट। तो देखिए ये मैं मानता हूं एक्स, ये वाला लेते चलिए, ये एक्स मानता हूं, ठीक, ये मैं मान लेता हूं चलिए वाई, ये जेड मान लेता हूं। सबसे पहले देखिए ये एंगल क्या होगा, ये वाला, ये छोटा एंगल बता रहा हूं, ये वाला, ये होगा 180 माइनस वाई, ये वाला एंगल 180 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल x और ये एंगल z, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा, x प्लस z, ये क्या बराबर बनेगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक आपका क्वाड्रिलेटरल है और इसका अपोजिट साइड अगर हम जोड़ेंगे x प्लस z आपका 180 डिग्री होगा, है ना, ये 180 डिग्री होगा। तो अब इसमें आप देखिएगा, ये वाले में जो भी आपका पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये तो आपने साइक्लिक की तरफ ले लिया, x प्लस z आपने 180 डिग्री कह दिया, ये y है ये z है, तो ये y इक्वल टू z होगा, है ना, y इक्वल टू z। आपका ये जो एंगल है जिसको मैं लिख देता हूं ए डी ई, ए डी ई, ये एंगल ए डी ई हो गया। आप एक काम करिएगा कि जब मैंने y इक्वल टू z बता दिया और इसको मैंने ए डी ई बता दिया, तो इसको अगर मैं किसी तरीके से ए ई डी, ए ई डी जिसको मैंने x माना है इसको किसी तरीके से इस तरह इसके बराबर प्रूव कर दूं, ये एंगल और ये एंगल मेरे बराबर हो गए तो मैं कह सकता हूं ये साइड बराबर है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y हमारा z के बराबर है, जरा यहां पर इस y को यहां पर आप z कर दें तो ये 180 माइनस z हो जाएगा, है ना। और अगर आप इसको देखें x को तो ये क्या है, 180 माइनस z, x भी 180 माइनस z है और ADE भी 180 माइनस z है, ये एंगल भी 180 माइनस z, ये भी 180 माइनस z, दो एंगल इक्वल, अगर आपके दो एंगल बराबर है तो उसके साइड भी बराबर होगी, ये इसका प्रूफ हो गया। अगला है AB एंड CD आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ये AB और CD आपके कॉर्ड्स हैं सर्कल के और जो विच बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला है ए बी ए बी नहीं सॉरी ए सी और बी डी, ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है ना, आपको प्रूव करना है ए सी और बी डी आपके डायमीटर्स है, अगर डायमीटर्स है और ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल है, तो अगर हम ये प्रूव कर देंगे, पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि अगर हम इसको बता रहे हैं कि डायमीटर है तो पक्का ये 90 डिग्री बनाना चाहिए, इस कॉर्ड को यहाँ पर 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहले तो ये है कि इस ओ ए बी और ओ सी डी, ओ ए बी और ओ सी, ओ सी डी, इसमें ये रेडियस है, मतलब रेडियस क्या है, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों बराबर हो गए, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये ट्राइंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ए बी ओ ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, सीधी हो गई इसके बराबर, इसी तरीके से ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो सीधी बात है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। इसी तरीके से यही रीजनिंग से ये दोनों ट्रायंगल लीजिएगा और इन दोनों को कॉन्वेंट प्रूफ हो जाएगा ये आराम से, और आप देखेंगे कि इससे प्रूव हो जाएगा कि बी सी और ए डी भी पैरेलल है, यानी कि ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, लेकिन ये सर्कल के अंदर भी है। दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप 10.5 का देखें तो हमें ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एबीसीडी रेक्टेंगल है, तो एबीसीडी रेक्टेंगल हो गया, एबीसीडी रेक्टेंगल है मतलब
आपका ए बी सी ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री कब हो सकता है? ये एंगल 90 डिग्री तभी हो सकता है जब ए सी डायमीटर हो, ए सी जब डायमीटर हो तभी तो हो सकता है। और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये तब कब हो सकता है? जब आपका बी डी डायमीटर हो। तो ए आपका ए सी और बी डी आपके डायमीटर हो जाएंगे और ए बी सी डी रेक्टेंगल है, जो कि आप क्वेश्चन 12 को रेफर करिएगा एक्सरसाइज 10.5 में। तो ये आपकी बात हुई क्वेश्चन नंबर 7 की। अगला क्वेश्चन है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल एट डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। हमको प्रूव करना है कि एंगल ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ आर दिस 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 दिस। जो बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी के, ये एंगल ए है, इसका बाइसेक्टर देखिए, ये एंगल आपका बी है और ये सी है, ये बी है, एंगल बी है, इसका बाइसेक्टर देखिए और इस सी का बाइसेक्टर देखिए। इस ट्राइंगल ए बी सी के जो आपके बाइसेक्टर एंगल है, ये इंटरसेक्ट इट सर्कम सर्कल, इसका जो सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल मतलब होता है जो इन तीनों से पास हो रहा है, सर्कम सर्कल एट डी ई एफ। तो ये डी हो गया, देखिए यहाँ ये इसका बाइसेक्टर है, ये इधर की तरफ जा रहा है और यहां इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है डी, ये इसका बाइसेक्टर एफ पे और ये इसका बाइसेक्टर ई, ठीक डी एफ पे हो रहा है। हमको ये प्रूव करना है कि जो एंगल है ट्राइंगल डी ई एफ के वो ये है। तो हम क्या करते हैं कि जो हाँ इंटरसेक्शन ये एंगल बाइसेक्टर जा रहा है उसको जरा सब नंबरों को पहले इनको नंबरिंग कर लेते हैं। हमें ये पता है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, लेकिन बाकी की हम नंबरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि ये बराबर नहीं है, 1, 2 के बराबर नहीं। तो एबीसी क्योंकि एक और एबीसी जो ट्राइंगल आप यहां देख रहे हैं और उसकी जो सर्कम सर्कल देख रहे हैं जो ए डी ए बी और सी एफ जो बाइसेक्टर है एबीसी के उससे पास हो रहा है। हम क्या कंस्ट्रक्शन इसमें कर रहे हैं, हम एक तो इस डी ई को ज्वाइन कर दे रहे हैं, इस वाले को, ये वाले को यहां से आगे ज्वाइन कर दिया, हमने ई एफ को ज्वाइन कर दिया ई एफ को और हमने एफ डी को ज्वाइन कर दिया। हम जानते हैं कि एंगल जो एक सेगमेंट पे होते हैं वो समान होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो पांच फिर ये एंगल है एंगल 5, ये किसके बराबर है, एंगल सी बाई टू के। क्यों? क्योंकि जो एंगल 5 है अगर हम देखें तो एंगल 5 कौन बना रहा है, और ये एंगल ये वाला ये सी बाई टू, मतलब ये पूरा सी है तो ये सी बाई टू। तो मैं अगर ए ई की बात करूं तो ये एंगल बना रहा है एक, तो ये ए ये देखिए इसकी बात करो तो ये एक एंगल ये बना रहा है सी बाई टू और एक एंगल ये 5 बना रहा है, तो 5 हो जाएगा सी बाई टू। इसी तरीके से 6 क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक से 6 हो जाएगा बी बाई टू, ये 6 है और ये बी है, बी का आधा ले लीजिए, तो ये जो बना रहा है वो यही बना रहा है, ये लाइन ये कॉर्ड, एक तो कोई भी 6 जो है वो b बाई टू बना रहा है। ऐसे ही आपका एंगल 1 हो जाएगा a बाई टू, एंगल 2 हो जाएगा c बाई टू, एंगल 4 हो जाएगा a बाई टू और एंगल 3 हो जाएगा b बाई टू, सेम लॉजिक से। अच्छा अब इससे आपको क्या मिला, 5 और 6 को जरा जोड़िए, इस 5 और 6 को जोड़िए तो क्या मिलेगा, एंगल c बाई टू प्लस एंगल b बाई टू, यानी कि इसका 5 और 6 क्या हुआ, ये एंगल d हुआ, एंगल d हो गया एंगल c बाई टू प्लस एंगल b बाई टू। तो हम जानते हैं एंगल ए और बी और सी तीनों को जोड़िए तो क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी और सी क्या बनेगा, सी को ए को जरा धन ले जाइए 180 माइनस ए, बी प्लस सी तो अभी अभी आप देख रहे हैं क्या होता है, ये बी प्लस सी, ये यहां पर बी प्लस सी देखिए, तो बी प्लस सी को आप सीधा 2d लिख सकते हैं, तो यहां पर आप चाहे तो 2d लिख सकते हैं या डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहां डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, एक ही बात है। तो बी बाई 2 का सी बाई 2 होगा 90 माइनस ए बाई 2, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, हमने इस जगह पे क्या लिखा, बी बाई टू और सी बाई टू क्या होता है डी, ये तो डी है, तो डी इज इक्वल 90 माइनस ए बाई टू। इसी तरीके से आपने ये एक लिया ना, ऐसे ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए और ये प्रूव कर दीजिए कि ई और एफ ये हो, आप लॉजिक समझ गए ऐसे हो गए। अगला है, टू कॉन्वेंट सर्कल इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ए एंड बी, दो कॉन्वेंट सर्कल है, कॉन्वेंट सर्कल का मतलब होता है बिल्कुल एरिया इनका सेम होगा, इच अदर एट ए एंड बी, ई और ए एंड बी, थ्रू ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इज ड्रॉन, ए से आपने पी ए क्यू ये बना दिया, ये वाली लाइन इज ड्रॉन सो दैट पी एन क्यू लाइन सर्कल, पी एन क्यू सर्कल पे लाई कर रहे हैं, यहाँ सर्कल पे लाई कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है कि जो बी पी है वो बराबर है बी,
मतलब ये लाइन और ये लाइन आपकी बराबर है। कैसे करेंगे? आपको ये दिया है कॉन्वर्ट सर्कल, इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पे, पी ए भी आपकी एक लाइन है। हमको प्रूव करना है बी पी इक्वल टू बी क्यू, बस सीधा कॉन्वर्जेंसी प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले एक काम देखिए, सीधी सी बात यह है कि ए बी आपका कॉमन क्वाड है, ओके, लेकिन ये सर्कल तो आपको कॉन्वर्जेंट दिए हुए है, इसका मतलब जो आर्क ए डी बी है आपकी, ये आर्क ए डी बी और आर्क ए ई बी ये तो बराबर है। अगर ये बराबर है तो जो एंगल सबटेंड करेंगे ये वो भी बराबर होगा, यानी कि आपका ए पी बी और ए क्यू बी ये भी बराबर होगा, राइट, ये दोनों बराबर होंगे ना, तो बस बी पी बटा बी क्यू। एंगल अगर बराबर है तो उसके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे, ये आपका प्रूव हो गया। आप एक काम कर सकते थे, इनको इन दोनों की कॉन्वर्जेंसी भी प्रूव कर सकते, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वल आर्क इक्वल एंगल सबटेंड करती है तो इससे हमें दो लाइन में हमारा आंसर। Any triangle ABC, if the angle bisector of angle A and perpendicular bisector of BC intersect, prove that they intersect at the circumcenter of the triangle ABC. हमको बताना है किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में, आपके पास देखिए ए बी सी ट्राइंगल है ना, इसमें अगर एक एंगल बाइसेक्टर ले, ए को जरा बाइसेक्ट किया जाए और इसको आगे बढ़ा दिया जाए। If the angle bisector of A and perpendicular bisector of BC, इस BC का perpendicular bisector बढ़ा दिया जाए, इसका BC का perpendicular bisector बढ़ा दिया जाए, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो ABC का अगर हम सर्कल सर्कल बनाते हैं तो ये जाके यहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको देखिएगा कि हमने जो एंगल बाइसेक्टर लिया एंगल A का, वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कम सर्कल और ट्राइंगल ABC डी पे। हम क्या करते हैं, इस डीसी को और इस डीबी को ज्वाइन कर देते हैं इसको, तो इससे हम देख पा रहे हैं कि बीसीडी और बीएडी बराबर हो गए। कैसे? ये बीसीडी और बीएडी, ये लाइन जो बीडी लाइन है, ये एंगल सबटेंड यहां कर दी और ये एंगल यहां सबटेंड करी, एक कॉर्ड से दोनों एंगल सेम होते हैं सबटेंडिंग, तो बीसीडी और बीएडी बराबर हो गए। अब बीसीडी देखिए, यहां दो पार्ट है, एंगल बाइसेक्टर है बेसिकली, तो अगर आप बी ए डी की बात कर रहे हैं तो ये किसके बराबर है, ये डी ए सी के बराबर तो है ना, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बीसीडी बी ए डी हाफ एंगल है, क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का। सिमिलरली हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि डी बी सी, ये डी बी सी ये वाला, ये पूरा किसके बराबर होगा, ये डी ए सी बाय मतलब डीएसी हाफ ऑफ ए। इन दोनों से हम ये देख पा रहे हैं कि बीसीडी और डीबीसी दोनों बराबर है, मतलब ये हो गया कि जो डी बी और सी एंगल है ये वाला एंगल, और बीसीडी यानी कि बीसीडी ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी, है ना, ये लाइन बराबर होगी, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड हो, एंगल अपोजिट साइड अपोजिट इक्वल एंगल हो तो बराबर होंगे। इसका मतलब है कि डी की कहां लाई कर रही है, डी है किस पे, डी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी के, डी जो है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रही है, एंगल आपको बराबर दिख रहे हैं और ये दोनों सेम है, इसलिए जो एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल ए का वो और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का वो इंटरसेक्ट करता है सर्कमफेरेंस पे, ये इसका लॉजिक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे आपके, ऑप्शनल है, अगर आपको कुछ चीजें ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, इसमें थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आंसर है, और मेन एक्सरसाइज जो इसके पहले थी इनके पहले वो, उसमें अगर कोई दिक्कत हो बताइए, इसमें कोई बात नहीं है सर, क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।